ठंड से हाल बेहाल है। उत्तर भारत में जहां देखें वहां कोहरा है, शीतलहर है, लेकिन अब इस ठंड की दोहरी मार पड़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कई दिनों में बारिश के साथ ओले भी पड़ने के आसार हैं। पहाड़ से मैदान तक मौसम का हाल क्या है वो आपको बताते हैं। मौसम विभाग के अनुसार जमीन से 100 से 150 मीटर की ऊंचाई पर कोहरा होने से सूरज की किरण ठीक से धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और यही वजह है कि कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। रविवार सुबह मध्यम से घने स्तर का कोहरा दिखने को मिला, वहीं दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इस वजह से सोमवार से बुधवार तक 3 दिन आकाश में बादल रह सकते हैं। कई जगह हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को लखनऊ समेत 55 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया गया था। इस दौरान रात को तापमान 12 तो दिन में 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। शनिवार को लखनऊ और आसपास के जिलों में बूंदाबांदी हुई थी। 9 जनवरी को राजधानी का मौसम एक बार फिर बदलेगा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 2 दिनों में उत्तराखंड का मौसम शुष्क बना रहेगा। रविवार से मैदानी जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। सुबह और शाम को कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले 4 दिनों में भी ठंड के कम होने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चल रही है। दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2 दिन मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में धुंध छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।